इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीपल एंड एग्रीकल्चर के बारे में। इससे पहले वाले में हम लोग ने पढ़ा था एनिमल्स, लाइफ, क्लाइमेट, वेजिटेशन। इसमें हम पढ़ेंगे पीपल्स एंड एग्रीकल्चर, मींस जो वहाँ के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के जो लोग हैं, पीपल्स हैं, वहाँ का एक कल्चर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द पीपल्स ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर ग्रुप्स। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के जो पीपल्स हैं, लोग हैं, वो अलग अलग डिफरेंट कल्चर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। द रीजन इज थिनली पॉपुलेटेड एंड पीपल आर पीपल्स आर स्केटर्ड इन डिफरेंट विलेज एंड टाउन। जो वहाँ के लोग हैं, द रीजन इज द थिनली पॉपुलेटेड, वो थिनली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे नहीं है। पीपल आर स्केटर्ड इन डिफरेंट विलेज, और वहाँ के लोग जो हैं अलग अलग विलेज में रहते हैं, अलग अलग टाउन में रहते हैं। सम पीपल्स हैव मिग्रेटेड टू टाउन टू वर्क इन माइंस एंड फैक्ट्री। जो कुछ लोग हैं जो मिग्रेटेड टाउन टाउन्स में रहना पसंद करते हैं, टाउन्स में टू वर्क माइन एंड फैक्ट्रीज, जो कि माइन एंड फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं। एंड हैव ऑल्सो अडॉप्टेड वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, जो उन्होंने वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को भी अडॉप्ट कर लिया है, अपना लिया है। अ मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस, और जो जो मेजर पोर्शन है लोगों का, वो कहाँ पे लिव करते हैं, विलेज में लिव करते हैं, इन द कॉन्गो रिवर बेसिन और कॉन्गो रिवर बेसिन के आसपास। देयर हाउसेज आर थाइज्ड हट विद पल्म एंड लीव्स। जो उनके घर होते हैं वो कैसे होते हैं, हट की तरह होते हैं, जो कि पत्तियों होती से बनाए जाते हैं। जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स वेयर शॉर्ट स्टेट पिगमीज, दे आर वेरी शॉर्ट, मेजरिंग लेस देन 150 सेंटीमीटर इन हाइट। जो वहाँ की हाइट होती कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर हाइट होती। दे लिव इन हट्स एंड दे आर स्टिल हंटर एंड फूड गैदरिंग। और जो उनका वर्क होता है वो क्या, हंटरिंग करते हैं, मीन्स वो जो शिकार करते हैं, और फूड गैदरिंग। वेरी फ्यू पिगमीज स्टिल रिमेन इन द आइटरी फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्गो लेस आर बंटू नेग्रोस। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री इज फ्रेंच। जो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कंट्री की है वो कौन सी है, फ्रेंच है। लिंगाला इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मिलिट्री। लिंगाला वहाँ की मिलिट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मेजोरिटी ऑफ द पीपुल प्रैक्टिस सम फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड द रिमेनिंग स्टिल फॉलो ट्रेडिशनल अफ्रीका बिलीव्स बिलीव्स एंड अदर रिलीजियस। जो कुछ लोग वहाँ के हैं जो कि क्रिश्चियन को अपनाते हैं, कुछ जो रिमेनिंग पार्ट जो बचते हैं ट्रेडिशनल अफ्रीका बिलीव एंड कुछ अदर रिलीजियस के। इकोनॉमी, वहाँ की इकोनॉमिक्स के बारे इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में। द कंट्री हैज़ रिच नेचुरल डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड इट्स द लैंडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्रियल डायमंड्स। जो वहाँ की कंट्री है वो रिच है मिनरल्स एंड नेचुरल सॉरी रिच नेचुरल डिपॉजिट्स एंड मिनरल्स एंड इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्रियल डायमंड्स। ओके, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट। और अदर मिनरल्स इंक्लूड कॉपर, और जो अदर मिनरल्स हैं वो इंक्लूड है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मैग्नीशियम, टिन, जर्मेनियम, यूरेनियम, रेडियम, आयरन और कोल एंड ब्यूसिक। बाउजिक मीनिंग इज द चीफ इंडस्ट्रीज। अदर इंडस्ट्रीज इंक्लूड सीमेंट, पेपर, केमिकल, पेट्रोलियम, सोप एंड टेक्सटाइल्स। ये सारी वहाँ की मीन्स टेक्सटाइल्स है, इंडस्ट्रीज है। वाटर इज इन एब्सेंस हियर, वहाँ पे पानी एब्सेंस है, मीन्स कम है। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉन्गो रिवर,
और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस वहाँ पे की जाती है कॉन्गो रिवर से एंड इज ऑल्सो एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज. सॉरी, वाटर इज इन एब्यूडेंस हियर. इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉन्गो रिवर. वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है कॉन्गो रिवर पे की जाती है, ऑल्सो एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज. और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्सपोर्ट की जाती है, बेची जाती है अदर कंट्रीज में. इन द पास्ट द यूरोपियंस हैव एक्सप्लॉयटेड द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री फॉर देयर ओन बेनिफिट, कीपिंग इन अंडर फॉरेन रूल फॉर मैनी ईयर्स. इन 1960 द सेंचुरी बिकम इंडिपेंडेंस, बट स्टिल पीपुल हैव बिन अनेबल टू फुली यूटिलाइज देयर वेस्ट मटेरियल रिसोर्सेज. और जो वहाँ के लोग हैं वो जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उसे भी यूटिलाइज करते हैं और रिसोर्स अपने बनाते हैं. इंडस्ट्रीज आर नॉट वेल डेवलप्ड वहाँ. वहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है. एंड आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. और वो किस पे बेस्ड करती हैं? एग्रीकल्चर पे. रॉ मटेरियल्स, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड. वहाँ के जो लगभग मिनरल्स हैं वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट किए जाते हैं दूसरे देशों में. ऑक्यूपेशन, फार्मिंग इज एन मेजर ऑक्यूपेशन. वहाँ का जो मेजर ऑक्यूपेशन है वो क्या है? फार्मिंग है, किसानी है. लार्ज एरिया ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर फॉर द फार्मिंग. वहाँ के जो लार्ज जो फॉरेस्ट है, लार्ज एरिया जो फॉरेस्ट का है वो क्लियर किया गया, साफ किया गया, किसके लिए? फार्मिंग के लिए. द चीफ क्रॉप कल्टिवेटेड आर राइस, माइज एंड कसावा. जो वहाँ पे क्या ग्रो किया जाता है? राइस, माइज एंड कसावा. कसावा इज द रूट ऑफ इज ड्राइड एंड पाउंडेड इन टू फ्लोर विच इज यूज टू मेक ब्रेड. कसावा क्या है? एक रूट है, जड़ है, जो कि सूखी होती है. उसको क्या किया जाता है? ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है और फ्लोर आटे के जैसा बनाया जाता है. विच इज यूज टू मेक ब्रेड. और ये वो किस यूज में आता है? ब्रेड बनाने के यूज में आता है. वेराइटीज ऑफ कैश क्रॉप सच एज कोको, कॉफी, टोबैको, कॉटन, रबर एंड ऑयल. पल्म एंड आर ऑल्सो ग्रो बाई द फार्मर्स. जो यहाँ की वेराइटीज हैं वो कैश क्रॉप में काफ़ी वेराइटीज हैं, अलग अलग वेराइटीज सच एज कोको, कॉफी, टोबैको, कॉटन, रबर एंड ऑयल पल्म आर ऑल्सो ग्रो बाई द फार्मर्स. यहाँ के फार्मर्स के द्वारा ग्रो किए जाते हैं एंड आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज. और ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं अदर कंट्रीज में. नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर मेजर प्रॉब्लम्स इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. यहाँ की मेजर प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की. देख, द इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड डीप इनसाइड द कंट्री. जो यहाँ की इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं? डीप इनसाइड द कंट्री मीन्स बहुत ही अंदर सिचुएटेड हैं, विच मेक्स बनी हुई हैं, विच मेक्स अ डिफिकल्ट फॉर द रोड्स. और वहाँ पे रोड्स बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है. एंड रेलवेज टू बी बिल्ड, मीनिंग सेंटर एंड कनेक्टेड बाय द रेलवे एंड रोड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. क्योंकि वहाँ पे मीन्स रोड बनाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है वहाँ पे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेयर इज वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. वहाँ पे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो सबसे अच्छा क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट का और एयर ट्रांसपोर्ट का. सिटीज, सिटीज अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव इन टाउन एंड सिटीज. जो वहाँ के 1/3 हैं वो कहाँ पे रहते हैं? पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है? लिव इन टाउन मतलब गाँव में रहती है और कुछ शहर में रहते हैं. द कैपिटल सिटी इज किनशाहा, सॉरी किनसा. किनशासा इज द लार्जेस्ट सिटी और पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन. जो यहाँ किनशासा की जो किनशासा एक लार्जेस्ट सिटी है, यहाँ पे 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग यहाँ के रहते हैं. सम ऑफ द अदर सिटीज इंक्लूड, यहाँ पे कुछ अदर सिटीज भी इंक्लूडेड हैं. लुम्भाशी, मुजीमाई, किशांगनी एंड
सॉरी कनानगा एंड कनानगा। लुम्बाशी इज रिच इन मिनरल्स। लुम्बाशी जो सिटी है वो रिच है मिनरल्स में। अदर्स बिग सिटीज लाइक जो दूसरी बिग सिटीज है लाइक कवांगा कवांगा किशांगवी एंड मताली आर द पोर्ट सिटीज। और ये सब क्या है पोर्ट सिटीज हैं। कंज्यूमर गुड्स पोर्ट में आपको पता ही है बंदरगाह। कंज्यूमर गुड्स सच एज शूज एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर इन द सिटीज। और यहाँ पे शूज एंड टेक्सटाइल्स और मैन्युफैक्चर इन द सिटीज सिटीज में मैन्युफैक्चर की जाती है। किनशासा एंड लुम्बासी किंशासा एंड लुम्बासी में। ओके द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिपब्लिक ऑफ सॉरी द डेमोक्रेटिक ऑफ द कॉन्गो इज अ वेरी रिच नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे जो इस कंट्री में बहुत ही ज़्यादा मतलब ये नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ही रिच है। एंड विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इट कैन बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट नेशन इन द कॉन्टिनेंट। अगर यहाँ पे ये तो बहुत ही रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, अगर यहाँ का डेवलपमेंट होता है तो ये इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा रिच नेशन होगा अफ्रीका, सॉरी द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ओके यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। आप एक अच्छे से एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके थैंक यू।